ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। घूम जाना है जी, थोड़ा सा साइड होगा। ओके और अब तक लगभग 7.5 लाख लोगों का इलाज हो चुका है, मैंने 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। वो पूछ सकते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं और बहुत सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी काम किए हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में एक सर्वे होगा। वैसे इस समय एक सरकारी कार्यक्रम में हूं, इसलिए मैं कोई किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन की रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर इसका निर्वाह किया है, क्योंकि मैंने बराबर अवॉइड किया है कि किसी शिक्षण संस्था का सारी योजनाएं चलाई हैं। एक बहुत ही हाल की जो महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत की, यह विश्व की सबसे बड़ी योजना हेल्थ केयर की। क्या अरे जो है सो जो होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मंत्री जी ये बताइए कि जिस तरह लखीमपुर भारत नेपाल सीमा है, यहाँ पर कई बार, चूंकि हम लोग कई बार जेल भी लोगों से मिलने गए जो कैदी बंद है, कई बार मैंने उनसे जो बात की है तो छोटे कैरियर जो 200-300 में करता है वो पकड़ा जाता है, जो लार्ज स्केल के करने वाले हैं। अभी एक ऑडियो मिला है उसमें अधिकारी उससे कह रहा है कि हमको 2 लोग पकड़वा दीजिए, उसके बाद से इस तरह पकड़े जाते हैं। क्या हो सकता है? मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कोई इस प्रकार की गलती कहीं से नहीं हो सकती, गलतियां हो सकती हैं लेकिन काम भी अच्छे होते हैं। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि कोई इंडिविजुअल अपने में परफेक्ट हो, ये दावा नहीं, अथवा कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट हो, ये भी दावा नहीं कर सकता, हो सकती है। वहां पर उग्रवाद की बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें भी 80% की गिरावट आई है। कश्मीर की एक चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान बराबर अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे सेना, हमारे सीएपीएफ, अर्धसैनिक बल जिसे कहते हैं, और जम्मू कश्मीर की पुलिस, इनमें और इंटेलिजेंस खुफिया विभाग, चारों के बीच बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन है इस समय और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कि प्रतिदिन आप पढ़ते होंगे, 4 आतंकवादी मारे गए, 2 मारे गए, 6 मारे गए, 8 मारे गए, और देशवासियों की शुभकामनाएं थी और ईश्वर का आशीर्वाद था। और भारत की एक अपनी थमक रही है कि कोई बड़ी आतंकवादी वारदात विगत 4.5 वर्षों में भारत में नहीं हो पाई है।